यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। यहाँ प्रश्न है कि मनु भंडारी अपने पिता के कोप से दो तीन बार कैसे बच गई थी, ये प्रश्न है और इसका उत्तर इसी में है। यश कामना यहाँ से लेकर इतने में ही। तो लोग सोचते हैं कि जो खेत में काम करते हैं वो काम कठिन है, मजदूर काम करते हैं वो कठिन है, बच्चों के लिए पढ़ना भी कठिन होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर इसी में है। पहली बात तो यह है कि कुछ हार्ड शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ बता दे जाए, दूसरे शब्द समानार्थी, फिर भी वाक्य का भाव निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये जो मनु भंडारी है महादेवी के तरह कई बार लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करती है, इसलिए समझ से थोड़ा दूर हो जाता है बच्चों के। दोबारा देखो, यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। तो यहाँ यश कामना यानी बड़ाई की कामना करना, बड़ाई की इच्छा रखना, यश की इच्छा रखना। बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, कामना मत कहो उसको, लिप्सा कह दो। तो कामना और लिप्सा समानार्थी है, पर थोड़ा सा इसमें गहरा भाव जाता है। लिप्सा का मतलब होता है बहुत तीव्र इच्छा, जिसको वो छोड़ नहीं सकता हो, ऐसी इच्छा यश की। ये पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। अब ये समझाना पड़ेगा दुर्बलता क्या होती है और दुर्बलता कैसे थी। यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कैसे, क्या मतलब हो इसका, नहीं समझ में आई बात। एक दिन समझाया था मैंने एक फिल्म का उदाहरण दे करके, याद है, नहीं याद है। जैसे कोई गुंडा किसी अधिकारी को झुकाना चाहे, फिल्मों में देखा है, तो वो अपने सहयोगियों से पूछता है कि इस अधिकारी की कमजोरी क्या है, तो वो कह देते हैं कि इसके पास इसकी भतीजी रहती है जिसको इसने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके खुद के कोई संतान नहीं है, वो भतीजी उसकी एकमात्र कमजोरी है। तो वो उस भतीजी को उठा लेते हैं और अपनी मांगें पूरी करवाते हैं और कहते हैं कि नहीं तो इसको ख़त्म कर देंगे, हमारा ये काम करो। तो फिर वो कमजोरी होता है, उसके आगे अधिकारी झुक जाता है। तो जहां आदमी झुक जाता है वो कमजोरी है। एक बार पहले भी आया था कि गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, तो मतलब उससे बड़ी जो बहन है ना मनु भंडारी से बड़ी सुशीला, वो गोरे रंग की थी। तो पिताजी बात बात पर है और मनु भंडारी को डांटते थे कि तू तो दुबली पतली है, मरियल सी है, काली है, तो वो गोरा रंग देख करके उसकी प्रशंसा करते थे। तो ऐसे ही एक और पिताजी की कमजोरी है, वो है यश लिप्सा। ये पिताजी की कमजोरी है, यानी वो बड़ाई करने के लिए, समाज में उसका बड़प्पन हो, उनका नाम चले, इसके लिए वो कोई भी बड़ा त्याग कर सकते हैं। ये कमजोरी थी पिताजी की। अब समझ गए दुर्बलता, यानी समाज में यश मिले इसके लिए पिताजी कुछ भी कर सकते थे, वो कमजोरी थी पिताजी की। झुक जाते थे वहाँ, कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। अब आगे देखो, उनके जीवन की धुरी था, ये सिद्धांत है। ये भी छोटा सा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत पिता की जीवन की धुरी था, मतलब केंद्र में था। तो वो सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। साधारण जिंदगी जीना पिताजी नहीं चाहते थे, मनु भंडारी के पिता, वो चाहते थे जीवन जीना है तो श्रेष्ठ जीवो, ताकि लोग मान सम्मान दें और मरने के बाद भी लोग याद रखें कि फला आदमी बहुत अच्छा था। तो ऐसे विशिष्ट जीवन जीरो, कुत्ते की तरह सिर्फ जीवन ही पूरा करना है तो इसको वो श्रेष्ठ नहीं मानते। वो कहते मानव योनि में आए हो, समाज में आए हो, तो कुछ मान सम्मान नाम कमा कर जाओ। तो कह रहा है कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। और इसी के चलते मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई। कोप होता है क्रोध, इसी के चलते। अब समझ में आया किसके चलते बच गई, यानी पिताजी की इच्छा थी कि विशिष्ट बनकर कुछ काम करो ताकि लोगों में आपका सम्मान हो, और इस काम के लिए ही मैं दो तीन बार उनके क्रोध से बच गई थी। क्योंकि मेरा हड़ताले करना, सड़कों पर नारे लगाना, ये पिताजी को बर्दाश्त नहीं था। पर कई बार लोग बड़ाई कर देते थे मेरी कि आपकी लड़की बहुत ही हिम्मती है, साहसी है, डरती नहीं है, निडर है, देशभक्त है, तो यूं कहते ना। तो पिताजी वो मेरी गलतियां छुपा लेते थे, क्रोध से मैं बच जाती थी, क्योंकि यश प्राप्त करना पिताजी की कमजोरी था। तो यहाँ बात यूं होती कि समाज में मनु भंडारी का नाम चला है,
समाज में मनु भंडारी का नाम चला है, लोग प्रशंसा करते हैं, तो उस नाम से वो मनु भंडारी को डांटना भूल जाते थे, यानी माफ कर देते थे डांटना भी। अब सुन यही बात है, क्यों बच जाते थे वो? इसलिए बच जाते थे कि यश प्राप्ति उनकी कमजोरी था और मनु भंडारी की जो काम था उसके लिए लोग प्रशंसा करते थे, तो पिताजी को आया हुआ गुस्सा भी वो भूल जाते थे और बड़ाई में उनको शाबाशी दे देते थे। तो इस प्रकार वो दो तीन बार बची भी थी उसके चलते कि पिताजी को यश कामना अच्छी लगती है, बड़ाई का काम।